हाय फ्रेंड्स, मैं केमिस्ट्री का आज आप लोगों के साथ दूसरा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने जो वीडियो शेयर किया था वो गटरमैन कोच रिएक्शन पे ट्रिक शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को वो हेल्पफुल भी हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियोस के सारे ट्रिक को अगर पूरी तरह से देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो भी ट्रिक मैं बताता हूँ वो अक्सर करके लास्ट में ही वीडियो के बताया जाता है। और आपको मैं हर वीडियो में, जैसा कि आपको बताता हूँ कि मैं जो भी रिएक्शन या कोई भी चीज़ पे, मैं जिस भी टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ट्रिक बनाता हूँ, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और ये जैसा कि ये जितने भी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स, नीट पहले था, अब वो NTA 19 हो गया है, एम्स के एग्जाम में। और आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि ये बड़े एढ़े टेढ़े से रिएक्शन होते हैं और आपको याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने चाहा कि क्यों ना इन सारे रिएक्शंस को ट्रिक में कर दिया जाए, जिससे कि आपको याद करने में बड़ी आसानी हो और आप कुछ ही समय में सारे के सारे रिएक्शन एक साथ याद कर लें। तो इसलिए हमने इन सारे के सारे रिएक्शन के ट्रिक बनाए हैं और वो एक एक करके मैं हर हफ्ते में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप इस रिएक्शन को देखने के लिए, सारे के सारे रिएक्शन के ट्रिक को देखने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। जब भी हम वीडियोस अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वजह से आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मद्देसिया जी का जो चैनल हमने बना रखा है अपने, मतलब आप लोगों के लिए, उसे आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी का बात हम बाद में करेंगे। वीडियोस को और बड़ा ना करते हुए आइए हम आपको अब एल्डोल रिएक्शन के ट्रिक के बारे में बताएंगे। तो ट्रिक बताने से पहले मैं, जैसा कि हर वीडियोस में करता हूँ, पहले उसको पूरी तरह से बताता हूँ, उस रिएक्शन को, उसके बाद ही ट्रिक बताता हूँ। तो आइए एल्डोल रिएक्शन है क्या पहले उसे देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसे याद करने का वो ट्रिक कौन सा है, जिसे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे एल्डोल रिएक्शन को याद करने में। और जब भी एल्डोल रिएक्शन हमारे सामने होगा तो हमें पूरी तरह से याद होगा कि हाँ, ये एल्डोल रिएक्शन है। या कोई अगर पूछ ले कि एल्डोल रिएक्शन बता दीजिए, तो आप तुरंत के तुरंत उस रिएक्शन को पूरी तरह से आप कट पेस्ट कर दें, अपने दिमाग से कट करें और कॉपी पे तुरंत पेस्ट कर दें। इसलिए आपको, आइए मैं ट्रिक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोल रिएक्शन है क्या। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एल्डोल रिएक्शन दे रखा है, उसको पूरी तरह से लिख रखा है एल्डोल रिएक्शन। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में रिएक्शन को REAC लिख दिया था, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन अब की बार में ऐसी कोई गलती हमने नहीं की है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो आइए हम आपको बताते हैं एल्डोल रिएक्शन में है क्या। एल्डोल रिएक्शन में एक एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। आप जैसा कि आप लोगों को अगर टीचरों ने पढ़ाया होगा, आप लोगों ने कोचिंग्स क्लासेस में, क्लासरूम में, कहीं पे कहीं तो पढ़ा ही है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, वो आपने पढ़ा है जो बढ़िया है, अगर आपको याद हो गया उस समय तो ठीक है। लेकिन अक्सर करके ये सारे के सारे जो भी याद होते हैं ये बाद में भूल जाया करते हैं, तो इस चीज़ को पूरी तरह से याद करने के लिए आपको इसको ट्रिक में तब्दील कर देना होता है, तो जो कि काम मैं करता हूँ और आपको एक अच्छी सी प्लेटफॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्रिक का प्लेटफॉर्म, जिससे आपको हर एक रिएक्शंस को सिर्फ एक दिन में, अगर आप लास्ट डे में सारे रिएक्शन को लर्न करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप हमारे ट्रिक्स को स्क्रीनशॉट में रखें, स्क्रीनशॉट करके रख लें, जिससे कि आपको जल्दी से याद करना हो, और लास्ट डे में जिस दिन आप एग्जाम देने जाए उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर लें, तब भी आपका काम बन जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम एल्डोल रिएक्शन देखते हैं। इसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे इथेनॉल लिया गया है, उसको डाइल्यूटेड NaOH से ट्रीट करके उसके बाद हमें मिलता है 3 हाइड्रो
हाइड्रोक्स ब्यूटेनॉल, 3-हाइड्रोक्स ब्यूटेनॉल मिलता है। उसके बाद उसमें से हम गर्म पानी को निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें ब्यूटूइनल मिल जाता है, एंडलॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो कि बन जाता है ये हमारा, और यही हमें चाहिए एंडलॉल प्रोडक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट में, ब्यूटेनॉल ब्यूटूइनल। इथेनॉल से ब्यूटूइनल बनाने का जो प्रोसेस है दोस्तों, यही एल्डोल रिएक्शन है, जिसमें बाय प्रोडक्ट हमारा एक और बीच में बनता है, वो है 3-हाइड्रोक्स ब्यूटेनॉल। तो दोस्तों इसको याद करने का जो ट्रिक है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आइए मैं आपको आगे बताता हूँ वो कौन सा ट्रिक है जिसे हमें याद करना है, और उससे हमें एल्डोल रिएक्शन पूरी तरह से याद हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम आगे वो कौन सा ट्रिक है जिसे हमें इसको याद करना है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ट्रिक को देखते हैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों आज का जो ट्रिक है वो आपको मैं आगे दे रहा हूँ, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमने ट्रिक आप लोगों के सामने दे रखा है। इथेनॉल डाल ना ओ एल्डोल बना के गर्म पानी निकाल बिट्टू दुई नल कम। अब ये जो मैं ट्रिक आपको दे रखा हूँ, इथेनॉल डाल ना वो एल्डोल बना के गरम पानी निकाल बिट्टू दुई नल। अब इसे आप एक बार फिर से याद कर ले, एथेनॉल डाल ना वो एल्डोल बना के गरम पानी निकाल बिट्टू दुई नल। अब आइए देखते हैं हम इसे ट्रिक को किस तरह से आपको मतलब बताएंगे कि उस रिएक्शन से किस तरह से आपको पार्टिसिपेट करवाना है और आपको किस तरह से आपको ये ट्रिक याद हो पाएगा। थोड़ा सा आपकी का जो ट्रिक है ये थोड़ी सी टफ ट्रिक हमें लग रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसका अगर आपको ये टफ लगेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम इसका आसान सा ट्रिक बना के आप लोगों को हम पूरी तरह से देंगे। लेकिन अगर आपको ये याद हो जाता है तो ये पूरी तरह से आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को याद करने में पूरी सहायता करेगा। तो आइए हम देखते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में किस तरह से आपको ये पूरी तरह से मैच करता है। जैसा कि आप अब जब देख पा रहे होंगे, ऊपर हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे रखा है और नीचे वो ट्रिक दे रखा है जो हमने आपको इसके पहले दिया था और आपको दिखाया था, तो वो ट्रिक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इथेनॉल हमें क्या करना है, इथेनॉल को लेना है, डाल ना ओ, डाल मतलब डाइल्यूटेड NaOH, डाल ना ओ, डाल का डाइल्यूटेड हो जाएगा, ना का Na, ओ का OH, एल्डॉल हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, मतलब कि जो ये बीच वाला प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, यह हमेशा एल्डॉल ही बनेगा, एनॉल ही बनेगा, ब्यूटेनॉल जैसे हाइड्रोक्स ब्यूटेनॉल बना है इसमें 3-हाइड्रोक्स ब्यूटेनॉल, उसी तरह यहाँ पे जब भी बनेगा तब भी एल्डॉल ही बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है एल्डॉल बना के गर्म पानी निकाल बिट्टू दुइनल। तो एल्डॉल बना मतलब कि इथेनॉल में जब हम डाइल्यूटेड NaOH को डालते हैं तो यहाँ पे एल्डॉल तो बन जाता है, उसके बाद जब हम यहाँ पे एल्डॉल बनाते हैं मतलब कि ब्यूटेन टू इनल एल्डॉल जो प्रोडक्ट बन रहा है, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, बनाने से पहले गर्म पानी को निकाल लेना है, वो भी उसके बाद बनाना है ब्यूट टू इनल। आप एक बार फिर से देख लें, इथेनॉल को हमें लेना है, डाइल्यूटेड NaOH के साथ ट्रीट करना है, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन जाएगा, हाइड्रोक्स ब्यूटेनॉल सॉरी हाइड्रोक्सी नहीं हाइड्रोक्स ब्यूटेनॉल बन जाएगा। उसके बाद हमें उसमें से गर्म पानी को निकाल लेना है और ब्यूट टू इनल बन जाएगा। तो उसको ब्यूट टू इनल को हमने बिट टू दू इनल बना दिया है। तो आप इसको देख सकते हैं ट्रिक है इथेनॉल डालना ओ एल्डोल बना के गर्म पानी निकाल बिट टू दू इनल। आप इस रिएक्शन को इस तरह से याद कर पाएंगे कि मान लीजिए आप हैं, आपने बिट्टू से कहा कि आपको एल्डोल बना के गर्म पानी निकाल बिट्टू दुइनल, एल्डोल बना के गर्म पानी निकाल बिट्टू दुइनल, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाएगा और उसमें से गर्म पानी निकाल के बिट्टू इनल बना लेगा।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर से जरूर दे दो दोस्तों, और अपनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे कि उन्हें भी आपकी तरह ट्रिक मिल सके। और अगर आप हमारे और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको सबसे पहले ये वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते जाएँ।